त्या इंटरव्यू मध्ये ज्यावेळी भारताने विश्वकप जिंकला तो विश्वकप जिंकणार नव्हतोच, परंतु जिंकल्यानंतर अशी स्थिती झाली की सर्वांचं लक्ष आपल्या क्रिकेटकडे वळला गेला। त्या सल्यूट करूया कपिल देव साहेबांना। त्या बलदेव संधूने सांगितलं, संधू साहेबांनी सांगितलं, आम्ही हा मोठा फाउंडेशन टाकला आणि या फाउंडेशनवर आज भारताचे सर्व खेळाडू अधिक चांगली काम करत आहेत। पण ज्यावेळी यशपाल शर्माजींना प्रश्न विचारला तेव्हा त्यांनी सांगितलं की या वर्ल्ड कप मुळे आम्हाला भारताला सचिन तेंडुलकर मिळाला। चला आता पंच सुरेश म्हात्रे साहेब आणि त्यांच्या समोर असतील राजेशजी म्हात्रे। आणि बघा हे चेअर आहेत ना मित्रांनो, हे आपल्या खेळाडूंसाठी आहेत, तुम्ही फक्त वाईट म्हणू नका। आतमध्ये पाणी द्या आणि टॉस जिंकल्यानंतर इथं मात्र बॅटिंग करण्याचा निर्णय मोरिया इलेव्हन सावरकर संघाने घेतलाय। जुना चेंडू द्या आणि आपण सतत पाहत आहे स्पर्धा अभिमानाची, स्पर्धा कर्तृत्वाची, खेळाची स्पर्धा स्वाभिमानाची, स्पर्धा क्रिकेटच्या खेळाची, स्पर्धा मैत्रीची, स्पर्धा बालई गावाच्या अभिमानाची, स्पर्धा 7 वर्षाच्या खेळाची, स्पर्धा बालई चषकाची, 10 पुणाच्या ट्रॉफीची। अगदी जबरदस्त हे आयोजन नियोजन आपण बघत आहात, एकदम कडक आयोजन आहे। यस, तर एक जुने जाणते खेळाडू राजेश पाटील पप्पा यांचं यथोचित सन्मान होते बाले चषकामध्ये। माने साहेब आपण गेलात तरी हरकत नाही, जशी वेळ मिळेल तसं आपण या येत जा। अधूनमधून हे कसं होतं त्याला जाहिरातीला रंग येतो। सन्माननीय राजेश पाटील साहेबांना विनंती करतो पप्पा यांना की आपण सन्मानाचा स्वीकार करावा। ज्याने आम्हाला दानशूर व्यक्ती लाभले ते आदरणीय निलेश पाटील साहेब प्रेम पापटीचे सर्वे सर्व यांच्या शुभ हस्ते होते स्वागत। कॅमेरामॅनला विनंती, आपण कॅमेरा मंचाकडे वळवा, धन्यवाद वळवलेला आहे। आणि राजेशजी पप्पा यांचा यथोचित सन्मान, एक चांगल्या सिनियरनं क्रिकेट खेळला आणि आपल्या गावासाठी मुलेखंड गावासाठी योगदान दिलं ते राजेशजी पाटील साहेब यांचा यथोचित सन्मान होते। एक चांगले उत्कृष्ट क्रिकेटर नक्कीच। मॅचला सामन्याला सुरुवात होईल, सामना आहे तो जयहनुमान करंजा वर्सेस मोरिया इलेव्हन सावरकर, अशी मॅच आहे फर्स्ट राऊंडची शेवटची। आणि या मॅच नंतर मॅच असेल सेकंड राऊंड अर्थात रियान 74 बाजारपूर वर्सेस, याच्यातून जो विनर संघ असेल त्या संघासोबत। तर सन्माननीय धनंजय चव्हाण साहेब यांचा यथोचित सन्मान होते। मी निलेशजी पाटील यांना विनंती करतोय की आपण धनंजय चव्हाण साहेबांचं स्वागत करावा। मायची उबदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि टुर्नामेंटची गोड आठवण सन्मान चिन्ह। वेल डन चव्हाण साहेब। बघा सेकंड राऊंडचे जे सामने आहेत ते 3 षटकांचे राहतील, त्याच्यासाठी आपल्या सेमी फायनल आणि फायनल तर जास्त षटकांचे बघायचे असेल तर हे सामने मात्र लवकर उरकले पाहिजे। त्याच्यासाठी सर्व खेळाडू आणि कॅप्टन लक्षात ठेवा, पुढील सामना जो आहे तो म्हणजे रियान 74 बाजारपूर आणि सावरकर आणि करंजा मधून संघ विनर होईल तो सामना असेल 3 षटकांचा। मेरा सरल कर करूया मैच ला सुरुवात। स्पर्धा अभिमानाची, स्पर्धा कर्तृत्वाची, स्पर्धा अभि स्वाभिमानाची, स्पर्धा क्रिकेटच्या खेळाची, स्पर्धा मैत्रीची,
स्पर्धा बाले गावाच्या अभिमानाची, स्पर्धा 7 वर्षाच्या खेळाची, स्पर्धा बाले चषकाची, 10 फुटाच्या ट्रॉफीची। पहिली गेंद और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है, वाइड घोषित किया सुमित और उनके साथीदार बालू, ये जोड़ी मैदान के अंदर है सावरकर टीम की। और गेंदबाज जो है इस बार धनेश, जिनकी पहली गेंद खराब साबित हुई, पहला मैंडेटरी पावर पे चल रहा है। एक खिलाड़ी काउ कॉर्नर, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर है और बाकी खिलाड़ी दायरे के अंदर है। पॉइंट शॉट कवर शॉट, थर्ड मैन शॉट, पॉइंट लेग शॉट, स्क्वायर लेग है और मिड ऑन है, मिड ऑफ है, खराब गेंद, खराब। दो गेंदे वाइड आ चुकी है, लेंथ लाइन बिगड़ चुकी है, अपने पास गति है लेकिन दिशा नहीं तो आपकी दशा है। अगली बॉल, ये देखिए शरीर से गेंद को दूर रखा था, गति का मिश्रण अच्छा था, जोरदार प्रहार करने गए थे। अगर बल्ले का बाहरी किनारा लगता तो करीबी मामला होता, लेकिन भाग्यशाली रहे कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा, परिणाम गंभीर होने वाला था। स्कोर इस बार देखा जाए 2। नेक्स्ट बॉल, कट करने का प्रयास किया, स्लोवर गेंद जरूर थी और इसी भी शॉट, थर्ड मैन के क्षेत्र में खराब से तरक्षण उस फील्डर द्वारा। मिलेंगे इस गेंद के ऊपर सिंगल, आप अंपायर की त्रुटि निभा रहे प्रशांत माली सर, मैन पंप बाले से बिलोंग करते और सूरज जी मात्रे साहब मुलेकर से बिलोंग, ये दोनों अंपायर को दिन भर खड़े करो, कुछ टेंशन नहीं है, उनका स्टैमिना मजबूत है। पापा भाई बरा ना, क्योंकि वो लेदर की टूर्नामेंट करती है, लेकिन उन्हें खाना दो, ये तो फिर चक्कर आ जाएगी। ये बॉल क्या डाल रहे भाई साहब, ऐसी गेंदबाजी नहीं चलेगी, गति का मिश्रण चाहिए, अपने कंधा अपना रिसीविंग पॉइंट माथी। अभी देखिए इस बार देखा जाए 3 गेंदे वाइड जा चुकी है, तुम जानबूझकर नहीं कर रहे, इसका मैं इस्तकबाल करता हूं, लेकिन खराब तो खराब ही गेंदबाजी। स्कोर 4। स्लोवर गेंद, वाइड जाने के बाद गति मिश्र परिवर्तन वाली गेंद, चेंजेस ऑफ पेस किया, बदलती हुई गेंदबाजी देखने को मिल चुकी है और अश्विन की याद दिलाई। स्लो ओवर बॉल, लोअर फुल टॉस मारो, नहीं 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 नहीं, इस भाई साहब क्या कर रहे हैं, अरे क्या किया, आ गई सीमा और रेखा का दर्शन देने के लिए, मिल गए ना 4 रन, ये चला लगान फिल्म की याद आ गई 4। तो 5 इस गेंद के ऊपर स्कोर पहुंचा है सावरकर का 9। थोड़ी सी धनेश की गेंदबाजी खराब चल रही है, ये उड़ाया, ये जाएगी बाउंड्री के बाहर, दर्शक दीर्घा में नंबर आया 6। हेलीकॉप्टर पकड़ो, अरे ये हेलीकॉप्टर भी हाथ से छोड़ दिया, अरे भाई साहब
जब चार रन पे तीसरा परे रहने रोहित शर्मा को जीवन दान दिया ना पापा, तो 64 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित। श्रीलंका से दो बार मुझे फोन किया था, वो आज भी भुगत रहा है। छोड़ मत कैच, 1983 के विश्व कप में कपिल देव सहवाग अगर वीएन नेचर का कैच छोड़ते तो भारत विश्व कप जीतता नहीं। 1999 के विश्व कप में स्टीवा को जीवन दान दिया हर्षल गिफ्ट ने, आज भी सपने में इस बार अफ्रीका टीम भुगत रही है कि वर्ल्ड कप कब और कब मिलेगा। किसी को जीवन दान मत दो, जीवन दान का फायदा कठिन हो जाता है और जब वो चलता है ना तो विरोधी टीम वाले देखते देखिए हमारे साथ क्या हाल चल रहा है, बेहाल हो जाते हैं। तर बघा या बालाई चषकासाठी प्रथम क्रमांक 50, द्वितीय 25, तृतीय 12,500, चतुर्थ क्रमांक 12,500 आहे। गोलंदाज फलंदाज क्षेत्ररक्षक यांना मात्र नक्कीच क्षेत्ररक्षकाला सूज आहेत, फलंदाजाला इथं कूलर आहे, गोलंदाजाला कूलर आहे। मालिकावीरसाठी शायकल आहे आणि क्षेत्ररक्षकाला सूज आहे। षटकार किंग, चौकार किंग, शिस्तबद्ध संघाला ट्रॉफी आहे, उत्कृष्ट ड्रेसिंग, उत्कृष्ट कर्णधार आणि स्टाईलिश खेळाडूला मात्र इथं कॅप आहे। असा जबरदस्त आयोजन केलेलं आहे आणि जो संघ चॅम्पियन होईल त्या संघाला सबसाइक गिफ्ट आहे। ये बाउंड्री और ये चार रन, इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 20 रन। नवीन सेवा के मैदान के ऊपर 6 चक्के ठोक दिए थे, हमने खुद देखे थे नाइट में। सोनू की अगली बॉल सामना करेंगे सुमित। सुमित ने जोरदार प्रहार किया, और पिच बॉल है, मिड विकेट कंट्री के बाहर। माली साहब अपना हाथ हिलाते हुए कह रहे चादन चार के साथ स्कोर आ गए 24। स्कोर हो चुका है, तीन खिलाड़ी दूसरे पावर प्ले के लिए बाहर है। दोपहर का सत्र बन चुका है, घड़ी के अंदर 2:26 हो चुके हैं। ये स्लोवर गेंद आई, पर गति परिवर्तन वाली गेंद, दिमाग चलाओ। जब 70-80 के दशक में जब पिच साथ नहीं देते रहे तो मालकम मार्शल जी अपना दिमाग चलाते थे और वो दिमाग से गेंदबाजी ऐसे करते थे। आपने देखा होगा कुष्ठमधारी श्रीकांत जी अपने लय में आए थे फाइनल में, तो उन्होंने दिमाग चलाया और वो क्रॉस एंगल से खेलने गए, एलबीडब्ल्यू हो गए। रास्ता ढूंढ के निकालो, वो तुम्हारे पास काबिलियत होनी चाहिए, बल्लेबाज क्या कर रहा है और उसे कैसे फंसाना है। ये देखिए हर गेंद के ऊपर दिवाली नहीं है पापा साहब, आपको देख के मारना है, कई गेंदों को सम्मान देना है। अगर इससे हो जाता नहीं तो क्रिकेट ऐसा चलता नहीं है। क्रिकेट फास्ट है लेकिन कई बार बॉल को भी देखना चाहिए। 24 सोनो, ये ऊंचाई ज्यादा है, एलिवेशन है, दूरी कम। ये देखिए बॉलर की गलती हुई, बॉलर को लगा कि मैं इस कैच को कैरी कर सकता हूं, लेकिन ऊंचाई कितनी थी, तुम पहले पीछे मुड़ के आ गए। अगर वो प्रयास आप नहीं करते तो जरूर कोई ना कोई कैच को लपकते, लेकिन खुद बॉलर ने कह दिया इस कैच को मैं पकड़ता हूं और 2 रन मिलेंगे और स्कोर आगे जा चुका है 26। सुमित काफी आक्रामक मोड में आए, 18 पे खेल रहे, 2 बाउंड्रीज, 1 छक्का, 2 सिंगल, 1 डबल के साथ बालू 5 पे खेल रहे। आखिरी गेंद, बस दिशा दी गेंद को, इस बार देखा जाए थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद चली गई है, 1 और ये 2 के साथ और हुआ खत्म।
दो के साथ देखा जाए तो हम स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर डाले तो मौर्या 11 सावरकर टीम का स्कोर है 28 मगर नुकसान पे काम चल रहा है। दोन षटकान मौर्या 11 सावरकर संघाजी धाव संख्या 28 बिनबाद 28 पानी पाजे असेल तर आपण नक्कीच पाण्याचा आनंद घ्या रिस्क कोणी घेऊ नका गर्मी आता वाढायला लागली। हिमांशु पाटील साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे त्यांचा आम्ही बालय चषकामध्ये सर्वप्रथम शब्द सुंदाने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। अरे बाबा 3 बज गए अंपायर के चेहरे पड़ गए देखो स्कोर हो चुका है 28-28 धनेश इस बार यापिक किया है लेकिन लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में यस 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 अंपायर बालू को जरूरत नहीं थी तू पॉपिंग क्रीज में आया था रन के लिए दौड़ रहा है लेकिन थ्रो ऐसा आया तू पॉपिंग क्रीज से दूर था तो इसीलिए विकेट गिरना पड़ी अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मिलेगा उसे तो एक बड़ा टेम्पो लाना ही पड़ेगा वैसे जाएगी नहीं सुंदर चीज है हमारे पापा जी इसे देख रहे चीज पापा जी कौन सी भी हो जाए सुंदर होती है उसे देखने के लिए मजा ही होता है चाहे लड़का सुंदर हो जाए चार लड़की बोलते हैंडसम चल रहा है चार लड़की सुंदर होते चार लड़के करते अच्छी बात है इंग्लैंड की गोरी देखने के लिए मजा हो जाता है। ये देखिए देखना चाहिए बॉल को उठाने की जोरदार कोशिश की थी लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है एक बार फिर से कोटे का दूसरा और पारी का यह तीसरा ओवर लेके आरंभिक गेंदबाज जिनके पहले ओवर में 16 आए थे धनेश आए लेकिन सामने सुमित जैसे एक आक्रामक खिलाड़ी भी है सलामी बल्लेबाज है नए बल्लेबाज जितेश मैदान के अंदर गए हैं स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं हमारी शानदार ये क्लियरिटी खेल चैनल के माध्यम से स्लोअर वन देखिए चकमा देने वाली गेंद गति परिवर्तन से कहते दिमाग चलाया इस बार देखा जाए धनेश ने और एक सिंगल इस गेंद के ऊपर बिल्कुल नहीं आ चुकी है तो स्कोर रुका हुआ है 29-29 कदमों का बेहतरीन प्रयोग किया था बल्ले का बाहरी किनारा कॉट बिहाइंड विकेट नंबर 30 इस बार देखा जाए दूसरा ड्रेसिंग रूम में दोनों सलामी बल्लेबाज बैट दगाउट लेकिन अपना काम अपना जलवा दिखाया सुमित ने कमाल। असेल की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर यावं जितेंद्रजी भोईर या गुड बॅटिंग सुमित 20 रनों की दमदार एक पारी खत्म हो गई है और मैदान के अंदर नए बल्लेबाज जा रहे यज्ञेश हट्टे कट्टे खिलाड़ी है हाइट से भी मजबूत है बालू 6 रन बना के वापस सुमित 20 रन बना के वापस यानी कि सावरकर के दोनों सलामी बल्लेबाज बैक टू द डगआउट आए अपना काम दिखाकर लेकिन स्कोर 29
ओवर गेंद कवर के क्षेत्र में पंच किया है, एक सिंगल जरूर मिलेगा बैकफुट पर जाकर, लेकिन एक सिंगल के साथ स्कोर आगे 30। पूरी तरह से लोग इस मैच को टकटकी के साथ देख रहे हैं। सुजन भाई आपका आयोजन 24 कैरेक्टर सचमुच ऐसा ही आयोजन हर साल होता ही रहना चाहिए, एक ही रखो, क्योंकि कहते हैं ना एकता में जब सभी हो जाते हैं तो वो ताकत बढ़ जाती है, एकता में शक्ति होती है तो दुनिया भी झुकती है, और स्क्रीन भी अच्छा है। अंपायर ओवर हुआ है क्या? एक गेंद बाकी है, शेवटचा चेंडू अद्यापर्यंत आहे, कारण ज्यावेळी इकडे स्कोरच्या माध्यमातून सुद्धा तेच खेळ चॅनल सांगते, पाचच चेंडू, एक चेंडू शिल्लक आहे, पहिला चेंडू रनआउट, दुसरा चेंडू डॉट, तिसरा चेंडू डॉट, चौथ्या चेंडूर विकेट, पाचव्या चेंडू सिंगल, एक चेंडू आहे ना, दंड पंचाला शिक्षा झालीच पाहिजे, दगडी चाल मध्ये अरुणजी गवळी काय म्हणले पप्पा, चुकीला माफी नाही। चलता होता इंसान है, ऐसा कुछ नहीं है, इंसान गलतियों का पुतला है, दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन ये हमने क्यों ठोक दिया, क्योंकि दगड़ी चाल का प्रीव हमने खुद देखा। माली साहब डरे होंगे, अंतिम बॉल शेष, अंतिम बॉल शेष, आखिरी गेंद, अरे फुल टॉस बॉल थी, बीमर ये गेंद जरूर है कमर के ऊंचाई के ऊपर, डिप्सकर लेग के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया, अगली गेंद फ्री हिट है, और देखिए ये गेंद, क्या मेरे मैन अपने पास भाई एक ही है तो वो कवरेज करना उसके लिए थोड़ा खतरा है, इसीलिए ऑन फील्ड अंपायर डिसीजन देंगे, लेकिन स्कोर 32 रनों के साथ स्कोर आगे, नो बॉल प्लस 1, 32 अंतिम बॉल इस ओवर की, और वो भी फ्री हिट, थोड़ा सा पीछे लो, बस 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 बस, शॉट गर्मा गर्म, शॉट फ्री हिट, परिणाम गंभीर, नंबर आया 6। राजेश साहब, प्रकाश साहब, देखिए स्क्रीन कैसी आ गई है, ऐसी मानो एलईडी स्क्रीन हमारे आंखों के सामने डायरेक्ट टेम्पो में जॉइंट किया है, जमाना बदल गया है, पहले के जमाने में चिट्ठी के ऊपर प्यार चलता था, अगर वो धोने के लिए जाएगा तो उसके पीछे चिट्ठी देने के लिए, अब तो लाल मिर्ची हरा देट, याद आ गए तो फेसबुक के ऊपर भेंट, दिन बदल गए, इसलिए अल्ताफ राजा जी ने गाने में कह दिया है, वो साल दूसरा था ये साल दूसरा है, स्कोर 38, आखिरी गेंद के ऊपर रपाट आया 6 रन के लिए, परेश ये देखे नहीं, इस बार देखा जाए गेंद को, घुमाने की कोशिश जोरदार की थी ऑन साइड के ऊपर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन हुआ नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति, क्या हुआ है, सुरसुरी लगे है क्या, व्हाट अ शॉट यार, इट्स अ गोइंग, दैट इज अ यूज 6। तर आयवा कॅससाठी प्रेक्षकाला 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे, आमचे सूरजजी मडवी साहेब यांनी लावलेलं आहे, कोणीही प्रेक्षकाने जर कॅच घेतली तर त्याला 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे, आयवा कॅच, स्कोर 44।
44 डीजे चौवालीस पे स्कोर। और एक बार फिर से हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की है, लेकिन यह गुड कैच, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर कैच, बल्लेबाज बैक टू द डगआउट। स्कोर 44, बस बस अच्छा था भाई साहब, हिलाओ मत। सावरकर बोले हंस रहे यार इस अल्फाज के ऊपर, बोले मालूम है कैसा टकाटक दिख रहा है काम, परफेक्ट काम और करेक्ट नियोजन है, इसलिए कहता हूं ये बाले वाले है, क्या करेंगे किसी को कुछ पता नहीं। और इस ओवर की तीन गेंदे शेष, परेश बॉलिंग मार पर, नए बल्लेबाज जयेंद्र पहली दफा गेंद को खेलेंगे, जयेंद्र और उनके साथीदार यज्ञेश जो साथ में खेल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बॉल, वाइड कैसी जाएगी बॉल, इतनी नजदीक से गई, उन्होंने कह दिया ना कि वो जो रिबिन दिख रहे रेड कलर की उससे बाहर जाएगी तो वाइड है। चौवालीस आगे निकले, लेकिन इस बार ये गेंद खराब है, ऑफ स्टंप के बाहर ही ज्यादा है, मालिक साहब ने कह दिया, इसलिए कहता हूं कि सबसे नजदीक से मैच कौन देख रहे वो अंपायर है, हम बहुत दुर्बल छोर से कमेंट बता रहे, हमें क्या मालूम अंदर क्या चल रहा है, कुछ होएगा तो ऐसे भागेंगे जरूर, ये अटक जाएगा। हाँ पतली गली से डायरेक्ट पीछे है ना, 44 स्कोर 45 स्कोर 45, अच्छी स्क्रीन, स्क्रीन छोटी है लेकिन क्लैरिटी अच्छा है। ये शॉट अच्छा खेल दिया है, हवा में है, नो मैन्स लैंड में गेंद गिर चुकी है, लेकिन लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं, एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ मौर्या 11 सावरकर टीम का स्कोर 47-47, तीन विकेट के नुकसान पे जयेंद्र कह रहे 2 पे, यज्ञेश कह रहे 7 पे, 20 रनों की दमदार पारी सुमित सलामी बल्लेबाज के रूप में, बालू ने योगदान दिया 6 रनों का और जितेश ने योगदान दिया है 7 रनों का। और विकेट से इस बार देखना पड़ेगा, डंडा अस्त व्यस्त हुआ है, फर्नीचर हुआ डिस्टर्ब, विकेट नंबर इस बार 14 ड्रेसिंग रूम में रोक पर ठोक दीजिए। पहले राधा श्री कृष्ण के लिए वन में जाती थी, अब नहीं, अब उल्टा है, झड़ू वीडियो कॉल के ऊपर सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ चलता है, एक चैटिंग लोगों को लगा होगा सोए होंगे लेकिन जागते ही रहते हैं। स्कोर अब पहुंचा है 47, 4 विकेट, बल्लेबाज वापस आए, यज्ञेश जयेंद्र वापस आए, मितेश और आखिरी गेंदबाज है संदेश, आखिरी 6 गेंद शेष
और कैमरामैन थोड़ा इस ट्रॉफी को भी दिखाओ स्क्रीन के ऊपर, ये सब मौका मिलेगा तो। पहला ग्राउंड कवर करो, व्हाइट बॉल और स्कोर आगे जा चुका है 48। हेमंत माली साहब देखो कैसे गॉग बिगल लगा के टक चुप, क्या चुप में क्या है, कुछ नहीं। ताला खोलने के बाद मजा आता है क्या रे, बराबर ना, ताला खोला है क्या नहीं तो प्रॉब्लम है चाबी का इस बार हवा में जरूर लॉन्ग अप के ऊपर। यह खतरा हो सकता है क्या, मात्रे साहब जी ने कह दिया खतरा है। और इसी के साथ देखा जाए बल्लेबाज वापस आ रहे जिनका नाम है मितेश। कार्तिक नए बल्लेबाज और हवा में जरूर पुल कर दिया है और जाएगी गेंद 6 रन के लिए। छे के साथ स्कोर 55-55 और इस ओवर की गेंदें शेष अभी तक 4। ये छक्का लगा दिया बल्लेबाज यज्ञेश पहुंचे 14 पे, 2 छक्के 2 सिंगल के साथ। यज्ञेश क्या ठोका है, और पिच बॉल को देखिए, जब स्लॉट में आई तो गेंद प्लॉट के बाहर चली गई है, पेट्रोल पंप के बाहर सीधी हाईवे पे कहने के लिए आओ मैच देखने के लिए। लड़की का नखरा होगा लेकिन हमारे खिलाड़ी इस बार यज्ञेश का भी नखरा देखो क्या है। छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 61 और खुद पहुंचे 20 पे। इस संदेश के ऊपर उन्होंने जोरदार हमला किया है आक्रमण। ये गेंद अंपायर मात्रे साहब ने नो बॉल घोषित किया है तो अगली गेंद फ्री हिट जरूर है। तो स्कोर आगे जा चुका है 62 तो फ्री हिट का फायदा उठाएंगे यज्ञेश जो व्यक्तिगत 20 पे खेल रहे। देखना पड़ेगा इस गेंद के ऊपर कितने रन आएंगे, फ्री हिट है बल्लेबाज आजाद है। और ये गेंद और लेग स्टंप के बाहर वाइड, भटकती हुई गेंदबाजी चल रही है और लय में आना पड़ेगा, अभी तक फ्री हिट जिंदा है। फ्री हिट का फायदा उठाएंगे क्या, उसकी हाइट कितनी मजबूत है देखिए, मनो लंबा देखा जाए वीरेंद्र सहवाग जैसी उनकी हाइट है। फ्री हिट जिंदा अभी तक, फंस गया। चल ठीक है, कैच नहीं मिला इसका मतलब कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये फ्री हिट की गेंद थी, लेकिन रन कोई मिला नहीं है इस बार देखा सावरकर टीम के लिए। 63-63 ये व्हाट अ शॉट क्या ठोका है यार।
गरम, बल्लेबाज गरम और गेंदबाज नरम। 69 69। सावरकर के बल्लेबाज इसने क्या खाया रे आज संडे, खतरनाक। उन्होंने छक्के 4 ठोक दिए और क्या बैटिंग की है करंजा के इस गेंदबाज को, उन्होंने रिमांड में लिया है। संदेश के ऊपर हमला हमला और हमला, ये भी शॉट के लिए चंपा खुश में रंभा पड़े लंबा और मारा छक्का। धावा झाल्यात त्या 5 षटकामध्ये 75 आणि विजयासाठी इथं मात्र जे हनुमान करंदा संघाला 30 चेंडूमध्ये 76 धावांची गरज। काय यज्ञेशने बॅटिंग केली, या तुफान मैदान के अंदर आया था सावरकर का। छाती देखे कितनी कडक है, 56 इंच की हो गई, ठोक दिए 4-5 छक्के। तर करिया स्वागत आमचे हिमांशु पाटील साहेबांचा यथोचित सन्मान होते आणि पाटील साहेबांना विनंती करतोय आपण सन्मानाचा स्वीकार करा। कॅमेरामॅनना उपस्थित असते विनंती असेल, आपण मात्र कॅमेरा इकडे घ्या, आमचे हिमांशु साहेबांना आपण दाखवायचं आहे। यस, हिमांशु पाटील साहेबांचा यथोचित सन्मान, मायचे उपदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या टूर्नामेंटची गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन देत सन्मानित करत येते। आणि या कॅमेरा मध्ये हे त्यांचे मिठाशन चित्र, ही खरी मैत्री आहे मित्रांनो, हे खरं प्रेम आहे। 30 चेंडू मध्ये 76 धावांचा पाठलाग, 32 धावांची खतरनाक बल्लेबाजी यज्ञेश के माध्यम से। अब तो जीतने के लिए जहनमान करंजा टीम को 76 रन इकट्ठा करना है, 76 रन चाहिए। मार धाड़ ऐसा करो, ऐसा प्लान बनाओ कि इरादा करो पक्का, तो ऐसा धक्का लगाओ, ऐसा छक्का कि गेंदबाज हो जाए हक्का पक्का। बॉल दीजिए, म्हणजे हिमांशु माळी साहेब आपल्याला विनंती असेल, म्हणजे सकाळी येतात आणि दुपारी गायब, आता दुपारी आले मग आता त्यांचं हार्दिक स्वागत करूया नक्कीच। आणि हिमांशु साहेबांसमोर प्रेशर मला अजूनच बारीक वाटतो, असो ते का हरकत नाही, त्यांची हाईटच तेवढी आहे, गोट्या मालिका त्यांनी जास्त बघितली दिसते पहिला, लेकिन काना जब छोटा होता ना तभी अंदर ज्यादा चुभता है बरोबर। चला 76 धावांचा पाठलाग, उतरा मैदानामध्ये, चेंडू द्या अद्यापर्यंत। तर सुमित सावरकर संघाचा सुमित आपण जरा इकडे आहो, आपल्याला आयोजक बोलवतात, इकडे बघा आपले आपले बंधू आणि आमचे मुख्य आयोजक सन्माननीय सुशांत तांडेल आपल्याला काहीतरी सांगतात।
पहली गेंद ये ठोका हवा में, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां मिडविकेट के कंट्री में। एक और इसी के साथ दो रन मिलेंगे विजय को। विजय ने खुद का खाता ओपन किया, टीम का भी खाता ओपन किया। धनेश नॉस्ट अगर एन पे मारो, कोई देखो मत कि हमारे दोस्त है, हमारे अपोजिट ये टीम है, बदला हमें लेना है। और ये सीमा रेखा के नजदीक गेंद जा रही है, चार की संभावना। आई द्रोणगिरी माँ लेकिन इस बार शुरुआत कड़क होने जा रही है। विजय पहुंचे छह पे, टीम का स्कोर करंदा का छह। थोड़ा सा रन अप चुका है जितेश का, लेकिन देखना पड़ेगा इस मैदान के अंदर तर्क से तीर निकालना ही पड़ेगा करंदा के बल्लेबाजों को। सामने पार खड़ा है बुलडोजर, टराओ चलाना ही पड़ेगा। ये उड़ाया, ये और पिच बॉल को पनिशमेंट छरण के लिए ठोक दीजिए। डीजे मास्टर हमारे जॉन्टी भाई पहुंच चुके, बस वो दिखाने के लिए, उनकी हिम्मत नहीं बजाने की, मुझे मालूम है। लेकिन छक्के के साथ स्कोर 12, और पिच बॉल थी, मारना ही चाहिए। इसे कहते सवाल का जवाब, ऐसा ही तो। जब वो मार रहे थे तो वो हंस रहे थे, अब तुम्हारी बारी है। हर्षल स्किप्स जब खेल रहा था ना अस्ट्रो के खिलाफ, तो कांगारू बोले थे क्या हो रहा है, तो कमेंट्री में कह दिया आजूबा मैदान के अंदर आया है। इस बार 12 स्कोर, गुड बैटिंग विजय। और इस बार या अंपायर बताएंगे क्या ये गेंद है, नो बॉल है। जो इस बार देखा जाए वो पट्टा मार दिया है, उसके ऊपर इस बार देखा जाए ये बॉल पड़ चुकी है, तो जरूरी है गलत गेंद है, अगली गेंद फ्री हिट है। देखिए भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र प्रशांत माली ने घुमाया। हमारे साथी जिनका नाम मुझे भावेश जी हंस रहे, और बड़ा शॉट इनसाइड आउट शॉट कवर पॉइंट, सुजन भाई भागना यार, गेंद तेरे पीछे आ रही है, चार रन के लिए। विजय देखिए कह रहा है मैं भी हूं मैदान के अंदर। जितेश की अगली बॉल,
ये इस बार पुल करने का प्रयास था, गति अच्छी थी बॉल में, ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद हम इस देख सकते बोर्ड के ऊपर तो टोटल रन बन चुके हैं क्या जय हनुमान करंजा टीम का 18 रन, मगर नुकसान पे आने वाले 24 बॉल शेष है और इक्वेशन बताइए कितने में चाहिए। यस देखिए 24 बॉल 56 की जरूरत है। हम हमारे खेल चैनल के जो हमारे ऑपरेटर है जिनका नाम मुझे मालूम नहीं, ऑपरेटर गणेश जी और कैमरामैन है मनीष, आप दोनों का हम बहुत बहुत अच्छा कौतुक कर रहे कि आप लोगों को दिखा रहे हैं। तुम्हारे जमाने में ये स्क्रीन बीन कुछ नहीं थी, तुम्हारे जमाने में एक ही ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आलिया मुंगिया गेलिया मुंगिया, एंटीना सेट करते समय दिन निकलता था लेकिन बड़ा मजा आता था। क्या दिन थे वो, पैसा कम था, दिन अलग थे, गणपति बाप्पा का पूजन और पांच दिन में क्या, हमारे पुराने हमारे जो है दादा जी वो कहते थे कि अगरबत्ती जलना ही चाहिए, सलाह उल्टा हो गया, 1 बजे अगरबत्ती लगाओ 8 बजे तक जलती है, जमाना उल्टा हो चुका है। पहले चिट्ठी के ऊपर प्यार चलता था, अब लाल मिर्ची हरा देट याद आ गए तो बिंदास फेसबुक के ऊपर बैठ। शुभम करता है क्या, अरे वाह, ऐसे हमारे इस बार देखा जाए प्रीतेश भाई आपका कुछ है क्या, दाल में काला नहीं है, हाय हाय होगा रे, होना ही चाहिए, थोड़ा दाल में काला होता तो इंस्टा के ऊपर मजा आता है। हेमंत भाई क्या करेंगे भाभी, और ये इस बार देखा जाए और इस यही मौका, ये देखिए मिसस्टैंडिंग मत करो, वाइड गेंद माली साहब जी ने घोषित किया, 1+1 मिलेंगे 2 रन, स्कोर पहुंचा है 20 के घर में 20। हंसी मजाक के साथ राजे भाई चलना ही चाहिए, नहीं तो सीरियस लोग अस्पताल में बहुत यार, क्या पता है किसी को कल क्या होने वाला है, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आदमी जिंदा है ना उसके साथ अच्छे से बात करो, उससे प्यार से बोलो किधर जा रहा है, सारा लोग मरने के बाद उसे हिला हिला के बोलते, तू बोलता क्यों नहीं, मरे हुए आदमी कभी बोलते क्या, वो गई उठती गेंद तारामंडल में और अपने आदमी पूछते और कितना टाइम देगा, उठाओ नहीं तो बोलते दूसरे मरेंगे, कौन मरता किसी के साथ, ये गई मैंने कह दिया गई, मेरी जबान लकीर है, बोला तो बोला छक्का ठोक। जजमेंट कैसा बोले, ऐसा ही छक्का जब मैंने कॉलेज में मारता ना तो पीछे से लड़कियां बोली ओह व्हाट अ शॉट, ये बताऊंगा बात में आप ही नहीं। स्कोर 26 हो चुका है 26 और देखिए विजय का जलवा, विजय का जलवा देखिए, ये कड़क शॉट बेहतरीन स्ट्रोक सीमा रेखा के बाहर भूमंडल से तारामंडल में, कोल गीत ये सुनने के बाद वेसावकर मंडली की याद आ गई, संगीत विजय कटीन जी का, श्रीकांत जी नारायण, शैला जी चिकले, अपर्णा वायकर जी और संतोष नायक जी का क्या आवाज था, जबरदस्त 6-7 स्कोर 32। इस बार वाइड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर खड़े खड़े ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले के बीच कनेक्शन हुआ नहीं, क्रिकेट में कहते ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है, डॉट की समाप्ति स्कोर 32 और सुबह से 33 स्कोर माफ कीजिए, प्रीतेश पाटिल हमारी गुड स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे हैं। बालू ये फुल टॉस बॉल थी लेकिन कारपेट के जरिए, अरे ये क्या हुआ, बॉल और लड़की कभी किसी को फंसाएगी कुछ पता नहीं, 4 रन।
अंदरसल बालू ये कैच पकड़ो छोड़ो मत, आराम के साथ लड्डू क्या लिया, जिस बालू के ऊपर छक्का लगा दिया उस बालू ने कह दिया है अभी नहीं छोड़ूंगा, अभी तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और इसी के साथ देखा जाए विजय के बहुमूल्य जानदार तूफानी कड़क पारी 24 कैरेट की पारी खत्म हो गई है। और इस बार देखा जाए तो यह लगभग देखा जाए 37 पे पहला विकेट गिरता हुआ 32 रनों की बहुमूल्य पारी जय हनुमान करंदा टीम के लिए खत्म। अभिनंदन निज कमान। पहिला सुरुवातीला बहिणी म्हणतात आम्हाला काही नको तुम्ही सुखी राहा बस सईचा टाइम आला, प्रत्येक जण बोलते आम्हाला हिस्सा पाहिजे, तर असा का आई बोलली होती याला तरी देऊ नकोस। या जमाना बदल गया पप्पा भाई, बरा काही देना क्योंकि कलियुग आ चुका है, कलियुग छोड़ता नहीं कोई। शुरू में बोलते है मत दो, ये बालू क्या वाइट गेंद डाल रहे तू, हिस्सा मिलेगा किस्सा बनाओ, मैच में किस्सा आना चाहिए। वाइड इस ओवर में मुझे लगता है 5 वाइड आ चुके तो स्कोर आ गए 38-38। फुल टॉस देगा तो पनिशमेंट 100% है, मार खाएगा नहीं तो करेगा क्या, बंटी गया अगर बंटी ने घंटी बजाई 6 रन के लिए। हो चुका 50 पूरी, 50 रन बोर्ड के ऊपर तूफानी पारी चल रही है। मानो सावर करके गेंदबाजों को कह दिया जब तुम मार रहे थे तो हम नाराज थे, अब हम मार रहे तुम देखो हमारा तमाशा। ये क्रिकेट है और जीतने के लिए गुड्डू भाई रन चाहिए। इस ओवर में पप्पा जी 32 रन आए, महंगा ओवर साबित हुआ, वकार 19 से ज्यादा धुलाई हो चुकी है इस गेंदबाज की। 1996 के वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा अजय जडेजा साहब जी ने क्या ठोका था वकार 19 को, काफी ये महंगा ओवर और वो भी बालू के माध्यम से हुआ। और बंटी जिन्होंने बैक टू बैक 2 छक्के ठोक दिए, और धनेश को पहली दफा इस बार स्ट्राइक मिल चुकी है इस 12 गेंदों के बाद 2 ओवर के बाद। लेकिन गेंदबाज आ चुके सुमित, जीतने के लिए 18 बॉल में रन चाहिए, 24 चाहिए, 18 बॉल 24 चाहिए, 8 का रिक्वायर्ड रन रेट है, इसे कहते हैं ठोकम ठोक, इसे कहते हैं उत्तर। और गुड शॉट है लेकिन सिंगल में जरूर मिलेगा, और ये दूसरे के लिए पलट चुके हैं। और ये थ्रो आते समय बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर 2 के साथ धनेश ने खाता खोला, बंटी के लिए 12 पे 2 के साथ जय हनुमान करंदा टीम का स्कोर 52 के घर में। शानदार जानदार ये हमारे श्री गणेश कृपा बालई प्राइम प्रॉपर्टी आयोजित लेट सुभाष दाखले तांडेल और लेट भालचंद्र मोतीराम गरा स्मृति 7वां साल वाले ट्रॉफी 2024 फाइनल का दिन, अंतिम दिन। अरे भाई साहब तुम ऐसी बॉल देगा तो वो क्या करेगा, वो पतला है लेकिन मारने के लिए गर्म है, ठोका ना छक्का ठोक दीजिए।
देखिए क्या बैटिंग चल रही है, पावर देखिए बैटिंग की। अट्ठावन स्कोर, अच्छी बॉल, यही बॉल फेंको, विकेट निकालने के लिए तरसो, विकेट निकालो क्योंकि विकेट निकालेंगे तभी तुम जीत के करीब आएंगे। अभी तो आपके सामने जो आपने जो पहाड़ रखा था उस पहाड़ के ऊपर देखिए किस तरह से बल्लेबाजी हो रही है। चौथी बॉल, स्लोवर गेंद, भेज दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, एक सिंगल दूसरे के लिए पलट चुके, थ्रो आते समय दो रन इकट्ठा, दो के साथ जयनुमान करंजा टीम का स्कोर 60। अब जीतने के लिए मेरे हिसाब से रन चाहिए 14 रन चाहिए। क्या बैटिंग हुई, करंजा वाले क्या खा गया है पता नहीं, मछली की ताकत है, ये पकड़ जाएगा, ये नहीं छोड़ेगा, मुझे मालूम है। और आउट, और इसी के साथ लगभग देखा जाए दूसरा विकेट गिरता हुआ धनेश बैक टू द डगआउट, लेकिन अपनी टीम के लिए 10 रनों का योगदान। और हम देख सकते हैं तो यहां लगभग देखा 60 पे दूसरा विकेट गिरता हुआ सफलता सुमित को दीजिए। प्रॉपर टाइमिंग देने शुआ ने थोड़ी ताकत कम पड़ गई इस शॉट के लिए। करंजा टीम का स्कोर 60, जीतने के लिए 13 बॉल में 14 रन, 13 चौंडू 14 धावा, नहीं बल्लेबाज सोनू। स्लोवर गेंद, सोनू तुझ्यावर भरोसा है तिचा, आला छक्का। रात के ऊपर कौन जाएगा छोड़ के, किसी की हिम्मत है। सम्राट घरत सन्माननीय घाटकोपर चे खारकोपर चे त्यांना विनंती असेल की आपण आमच्या मंचावर यावा। सम्राट घरत साहेब खारकोपर यांना विनंती असेल आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर यावा। आईला पीले जर्सी महंगी साबित हो गई, इस पीले जर्सी ने हमें परास्त कर दिया था वर्ल्ड कप में, आज पीली जर्सी ही सावरकर के लिए खतरा हो रही है। 12 गेंदे 8 रन चाहिए, लेकिन हिम्मत हारो मत सावरकर टीम, 2-3 धक्के दो जमीन भी हिल जाएगी। यज्ञेश, और इस बार या बल्ले से आ चुके पॉइंट लेग के ऊपर गेंद एक, और इसी के साथ ये दो रन इकट्ठा किया। बंटी, बंटी पहुंचे इस बार देखा दो के साथ 14 पे, दो के साथ जर्मन करण, अब आपकी जो लेग बाई आ चुकी, गलती हुई, बैठ कर है ना, होता है रे, वो आदमी है उससे क्या है, अपना आदमी गलती करेगा तो अपन शिक्षा थोड़ी देगा। यस 68 स्कोर, ये हुक किया और ये बाउंड्री की संभावना, लॉन्ग लेग सी मारेगा के बाद नंबर 4 सावरकर के लिए खतरा हो रहा है। पर बाजार पर कप्तान टॉस करने के लिए आई है, बस जीतने के लिए 2 रन। देखिए सब गर्म हो गए हमारे साथ, ये क्या हुआ, इतना टारगेट का पीछा करने में जय हनुमान करंजा टीम सक्सेसफुल बनने जा रही है, जीत के लिए बस 2 रन चाहिए। बंटी क्या विनिंग शॉट, यह सिंगल ड्राइव ऑन रॉय किया, एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आ गए 73। जीतने के लिए बस 1 रनों की जरूरत है आने वाले 9 गेंदों में, 9 बॉल 1, आप ये जीत सुनिश्चित किए या जय हनुमान करंजा टीम के कैप्टन ने, उसमें विजय की बल्लेबाजी क्या थी खतरनाक। व्हाट अ शॉट, और महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल से 2011 के विश्व कप की याद दिलाई,
विनिंग शॉट खेला सोनू ने, भरोसा सोनू के ऊपर, मैच को जीता जय हनुमान। करंजा टीम वेल्डन, वेल्डन करंजा टीम और हार्ड लक मोरिया 11 सावरकर टीम। आपने आकर इस टूर्नामेंट में शानदार योगदान दिया, आपने इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई। जरूर पराजय हुए, जीत क्रिकेट की हुई है, लेकिन हम ये भी कहता है कि जीत जरूर यहाँ जय हनुमान करंजा टीम की हुई है। तो वेल्डन करंजा टीम और हार्ड लक सावरकर टीम।